आगे हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका ये है, अमीनो एसिड्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप्स। द अमाइनो ग्रुप कौन सा है? ये वाला NH2, ठीक है। ये NH2 को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। द फंक्शनल एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एंड आर रिप्रेजेंट्स द साइड चेन विच वेरीज फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अदर। मोस्ट अमाइनो एसिड्स हैव वन अमाइनो ग्रुप एंड अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बट सम हैव मोर देन वन ऑफ दीज। कुछ में अमाइनो ग्रुप होता है सिर्फ एक, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन कुछ में इससे ज्यादा भी होते हैं। दे आर 20 अमाइनो एसिड विच हैव बीन फाउंड टू अकर इन ऑल प्रोटीन्स एंड फॉर विच जेनेटिक कोडॉन्स एग्जिस्ट। इफ आर चेंजेस द अमाइनो एसिड चेंजेस स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली। अच्छा, ये जो आर है ना, ये हम फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, ये सारे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बातें पेपर्स में भी पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में, और जो एक्सटर्नल वाइवा के लिए आता है वो भी पूछता है। फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है? कोई भी एक मॉलिक्यूल जब होता है वो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जो उसका एक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिलाय कर रहा होता है। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दें तो उस मॉलिक्यूल का जो फंक्शन है वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर को अगर हम रिप्लेस करें हाइड्रोजन से तो वो ग्लाइसीन बना देगा। अब ग्लाइसीन का फंक्शन क्या होता है? ग्लाइसीन को हम ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसमें यूज होता है, और भी कई डिजीजेज हैं उसमें हम इस मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। और अगर आर को हम मिथाइल ग्रुप के साथ, ये CH3 किसको कहते हैं हम? मिथाइल ग्रुप को। अगर हम मिथाइल ग्रुप के साथ आर को रिप्लेस कर दें तो फिर ये एलानिन बना देता है। ये नीचे चला गया, एलानिन बना देता है। ये कई जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है एलानिन बॉडी के अंदर। ये मैं आपको फंक्शंस आपके नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ, जस्ट वैसे ही ये आपने अपने नॉलेज के तौर पे इसको याद रखना है, ठीक है। इसका यहाँ पे फंक्शन एलानिन का यूज या ग्लाइसिन का यूज नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाने के लिए और आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको ग्लाइसिन का क्या यूज है, ये डिफरेंट डिजीजेस में यूज करते हैं हम इसको, जो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में जो अकर करते हैं। और एलानिन जो है ये आपकी इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। फंक्शन ग्रुप का आपको समझ आ गया क्या फंक्शन होता है? यस यस सर, सर, समझ आ गया। ये आखिर में लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने आप में से किसी एक बच्चे को कहना है और वो लेक्चर रिपीट करेगा, इसलिए सारे ध्यान से सुने। एक्सक्यूज मी सर, जी, जो आपने बताया कि ग्लाइसिन डिफरेंट डिजीज में ह्यूमन बॉडी में यूज होता है, उनके क्योर के लिए यूज होता है। हाँ जी, क्योर के लिए यूज होता है। ओके हाँ जी, और मैंने ये भी बताया कि ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, ये आपके नॉलेज के लिए है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये वही बात आ गई जो मैं भी आपको ऊपर बता रहा था कि स्मॉल यूनिट्स अमाइनो एसिड्स के अगर हम ज्वाइन करें तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वही है कि छोटे छोटे यूनिट्स को हम जब कंबाइन करते हैं, उनको साथ जोड़ते हैं अमाइनो एसिड्स के, तो वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स विदाउट एक्सेप्शंस। मेमेलियन मसल्स कंटेन 20% ऑफ अमाइनो एसिड्स, ब्लड प्लाज्मा 7%, काउस 3.5%। ये बताया भाई, इसको तो आपने ऐसा सच याद करना है।
ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसकी परसेंटेज आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। बीन्स नट्स पल्सेस कंटेन 20% प्रोटीन्स, बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बॉडी एंड इम्पॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल। यानी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मुराद है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ये एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये बॉडी के अंदर जो हम यूज करते हैं, जो पाए जाते हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं। और फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल, यानी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ ये हमारे डेली यूज में भी, डेली के जो हमारे मामला हैं उसमें भी यूज होते हैं, जैसे कि सिल्क, लेदर एंड वूल इंडस्ट्री। ये सिल्क, लेदर और वूल को बनाने के अंदर भी यूज होते हैं, अदर देन फूड एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स व्हिच आर बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। अच्छा जी, हम ये यहाँ तक ही आज करेंगे। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, इसका मैं आज आपको एक हम एंजाइम्स का देख लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि एंजाइम्स में और कैटलिस्ट में क्या फर्क होता है? गलती बता दें, कोई नहीं, कोशिश तो करें। हाँ जी, किसी को नहीं पता, कोई आइडिया? जो एंजाइम होता है ना, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, और जो कैटालिस्ट होता है वो इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। ठीक है, पास पास है आप। चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक कह रही हैं आप। अब एंजाइम्स जो हैं वो स्पीड अप करते हैं, और कैटलिस्ट जो है वो या तो उसको तेज करता है या स्लो करता है, वो दोनों कर सकता है। एंजाइम्स जो हैं वो खुद भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के दौरान। जो कैटलिस्ट है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। जब हम खाली कैटलिस्ट की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी कि उसके अंदर कार्बन कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते। आपको पता है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके अभी बता रहा हूँ। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, जो सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ये मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड्स, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं, और जो कैटलिस्ट जो है खाली वो इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। हाँ जी जी, लेक्चर कौन रिपीट करेगा? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं मुझे। अच्छा, लेक्चर के हवाले से दो तीन क्वेश्चन थे सर। जी जी सर, पहली चीज तो ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये प्रोटीन और द पॉलीमर, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पॉलीमर का मतलब है कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्मॉल यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज के, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो प्रोटीन्स बना देते हैं। अब कंबाइन हम छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स किसके करते हैं? अमीनो एसिड्स के। जब बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के हम यूनिट्स इकट्ठे करते हैं, उनको फिर कंबाइन करते हैं, फिर वो प्रोटीन्स बना देते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इधर से ये जो बाउंड होता है, ये एक्सपेंड कर रहा होता है कंटिन्यू,
ये इसके कंटिन्यू एक्सपेंड नहीं कर रहा होता, यहाँ पे हम कोई ना कोई ग्रुप लगाते हैं, ये एक साइड चेन है, यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा, वो ग्रुप बड़ा भी ग्रुप हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बायो कैटलिस्ट ऑफ बॉडी आपने बताया था, एंजाइम और द बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बायो कैटलिस्ट और जो एंजाइम्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम का मतलब है कि ये मतलब दोनों का एक ही है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जब हम ओनली कैटलिस्ट का वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, और बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि ये एंजाइम्स हैं। जहां पे भी बायो कैटलिस्ट आएगा ना उसका मतलब एंजाइम होगा। चलो जी जी शाबाश। और कुछ है, और कोई क्वेश्चन? सर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बता दें फिर किसे कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की एज सच डेफिनेशन जो है वो कोई नहीं है, ये आपको ना यहाँ पे कोई स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बस उसका नाम यूज किया गया फंक्शनल ग्रुप का, आपको डेफिनेशन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट आप समझ लें। इसका ताल्लुक जो है फंक्शनल ग्रुप का, ये किसी भी मॉलिक्यूल की करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का फंक्शन, ये देखें ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये जैसे ग्लाइसिन है, ये आप ये नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे आपको? Yes, sir. ये ग्लाइसिन है, ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। इस पूरे मॉलिक्यूल का जो फंक्शन है बॉडी के अंदर जो परफॉर्म करेगा ये, वो डिपेंड कर रहा है इस हाइड्रोजन पे, यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। गॉट इट? यस सर। ये थोड़ी सी ये टेक्निकल चीजें होती हैं, लेकिन ये इंतहाई आसान चीजें हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत ज्यादा इजी है। फंक्शनल ग्रुप का बस आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो फंक्शन है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चेंज करते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। आपके साथ मेरे ख्याल फर्स्ट लेक्चर है ना आज? यस सर। चलें ठीक है, इसको आप ने पढ़ना है, फिर नेक्स्ट टाइम पहले आप में से कोई इसको रिपीट करेगा लेक्चर को, फिर हम आगे चलेंगे। आप घर जाएं, अच्छा इसको पढ़ें अच्छे तरीके से। जी जी पूछें। अच्छा सर, ये जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स है, इसके अंदर वो बता रहा है कि दो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके, एक तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि वो अमाइनो एसिड्स है, और दूसरा वो कह रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको थोड़ा सा सर बताएं वो क्या चीज़। ये दो फंक्शनल ग्रुप्स है ना इसके, ये एक NH2 है अमाइनो ग्रुप, एक तो अमाइनो ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, यानी कि प्रोटीन ये दोनों, ये दो ग्रुप होना लाजमी है, ये दो ग्रुप, हाँ ये कम से कम ये दो ग्रुप होते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अमाइनो ग्रुप लाजमी होगा और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाजमी होगा। ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। चले मैं अब आपकी जरा ट्रेंडस का देखूं।